जमुई जिले के गिद्दौर थाना क्षेत्र के मोरा पंचायत अंतर्गत अलगपुरा गांव के वार्ड नंबर 11 में देर रात चोरों ने उत्पात मचाते हुए गांव के ही नरेश यादव, अशोक यादव और गणेश यादव समेत तीन घरों में चोरी कर लेने का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें जेवर, सोना, चांदी, कपड़ा, बर्तन समेत लाखों रूपये का सामान ले चंपत हो गए। पीड़ित गृह स्वामी नरेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बेटियों का कान का लोरी, सोने का ताबीज एवं 20 भर ज्वेलरी वाला एक जोड़ा पायल एवं जमीन का सभी कागजात बहू के प्रसव को लेकर दर्ज लेकर 20,000 घर में रखे थे समेत लाखों रुपए चोरों ने चोरी कर लिए। पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि रोज की तरह हम सभी खाना खाकर बगल के कमरे में सोने चले गए। सुबह उठे तो देखा कि घर में रखा बक्सा खुला पड़ा है और कपड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है। बाहर निकले तो देखा कि दीवार की खिड़की का ईंट तोड़ा हुआ है और घर में खुला बक्सा देखा तो उसमें जेवर, सोना, चांदी, रुपया नहीं है। इसकी सूचना पंचायत के मुखिया धनराज यादव को दिया। वहीं मुखिया धनराज यादव पीड़ित गृह स्वामी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दूंगा और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। वहीं तीनों पीड़ित गृह स्वामी ने गिद्धौर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। क्या क्या चोरी हुआ आपके? चोरी हुआ हमारा 40,000 रुपया तो के लिए ला के रखे थे 23% में, वो भी ले लिया। उसके बाद घर में सोना चांदी सब था, सब चुरा लिया। खिड़की के दरवाजा तोड़ के वो ईंट के ईंट हटा के ईंट के रखे थे। 23% के लिए लाए थे पैसा? कैसे? कर्ज लाए थे। और रात में चोरों ने ले गया। आपके यहाँ चोर कैसे घुसा? चोर के टर लगा रखा था खिड़की में, खिड़की के खोल के ही ले गया। कितनी राशि की लगभग सामान चोर लेके गया? रात में कितने बजे ले गया ये सर हम नहीं कह पाए, मगर ले गया। हम उसको सुबह उठे तो खुला हुआ देखे, हम किसी को जा रहे थे रोड में, वहाँ जब देखे हम हमारे घर से लेट बाहर रहे, तब घूम के आए उधर से तो देखे, मतलब सोचे हम क्या क्योंकि चोर ढूक गया मेरे गया तो देखा तो पूरा मेरा बक्सा उक्सा सब फेंका हुआ था ये बांस के झाड़ी में, वहाँ से फिर उठा के घर में ला के रख दिए और सारा सामान हमारा ले गया। जेवर भी ले गया? जेवर ले गया, सोना का लोरी ले गया 20 भरी का, और कान वाला था वो भी ले गिया, चांदी का जिलेबिया वाला था वो भी ले गया, पाजल था वो भी ले गया। नहीं, लगभग कितने राशि का सामान चोरी हुआ है? लगभग 40-50-60 हज़ार का जेवर था, लाख का नाम सब में जेवर ले गया और 40 रुपया नगद ले गया। चोरी हुआ है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? सुबह जब हम सो के उठे तो यहाँ के परिजनों द्वारा जिसके यहाँ घटना घटा हमको जानकारी दिया फोन के माध्यम से। हम घटनास्थल पर पहुँच कर जाँच किए, देखें यहाँ इनके यहाँ सत्यता थी। और इस तरह से तीन घरों में वार्ड नंबर 11 तो चोरी हुआ है। क्या लगता है कि पार्षद प्रशासन के का या गश्ती होनी चाहिए? नहीं, जरूरी है। प्रशासन अगर गश्ती करता है तो चोरों में खौफ रहता है कि नहीं प्रशासन हमारे इधर आता है, उससे बहुत सहायता मिलता। लेकिन हमारे पंचायत में ये 5वां घटना है, हर 15-20 दिन के बाद ये घटना होता है और प्रशासन के यहाँ आवेदन भी जा रहा है, लेकिन प्रशासन को इस पर थोड़ा दुरुस्त होना है। क्या लग रहा है प्रशासन लापरवाही बरत रही है? लापरवाही जहाँ तक है वो ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से ये है कि प्रशासन थोड़ा इस पर गश्ती लगावे। हमारे थाना अध्यक्ष से क्या कहना चाहते हैं कि थाना अध्यक्ष को कुछ गुजाहिर के थाना अध्यक्ष महोदय से यही कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत राज मौरा में उनका गश्ती एक बार हमारे पंचायत में जरूर होना चाहिए, रात्रि में होनी चाहिए, रात्रि में होना चाहिए, क्योंकि घटना ये जो है ना एक बार की नहीं है, 12 बजे के बाद ये घटना 4-5 बार हमारे पंचायत में हर 15-20 दिन के बाद हो रहा है। ग्रामीण इससे त्रस्त है, ग्रामीण इससे त्रस्त है, परेशान है। हर गरीब आदमी के यहाँ अभी देख लीजिए, यहाँ ही इस गरीब परिवार में कर्ज लाकर कहीं से ड्राइवरी के लिए, अपने बहू की ड्राइवरी के लिए घर में पैसा रखे हुए थे, वो पैसा चोर लेकर चला गया। हाँ, परेशानी तो है।